हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी एक प्रोडक्ट की रिव्यू जो है, दिस इज नोवा का ये हेयर स्टाइलर 3-in-1 हेयर स्टाइलर, जिसमें आपको हेयर स्ट्रेटनर मिलेगी, हेयर कर्लर मिलेगी, एज वेल एज आपको हेयर क्रिम्पर मिलेगी। तो एक प्रोडक्ट में आपको तीनों चीज एक साथ मिल रही है। इससे पहले मैंने आपसे शेयर किया था नोवा का ही एक प्रोडक्ट जिसमें आपको हेयर स्ट्रेटनर एंड हेयर कर्लर मिल रही थी, एंड इसमें आपको और एक चीज इंक्लूड हो गई, दैट इज हेयर क्रिम्पर। तो अगर आपके पास इस तरह की एक प्रोडक्ट हो तो आपको अलग से तीनों प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है, एंड साथ ही साथ ये ट्रैवलिंग के लिए भी काफी अच्छी होती है। बस एक प्रोडक्ट आप कैरी कर लो तो यू गुड टू गो। सो ये है प्रोडक्ट गाइस। बात करते करते मैंने इसे ओपन भी कर लिया। आउटर पैकेजिंग के बारे में क्या बताऊँ, एज यूजुअल नोवा का जैसे होती है, एंड इसकी जो मॉडल नंबर है NHC8890। तो दिस इज द प्रोडक्ट गाइस। इसकी वेड जो है कुछ इस तरह की है, तो फटाफट से मैं आपको दिखा देती हूँ इसे यूज कैसे करना है एंड कितनी अच्छी है ये प्रोडक्ट। तो प्लग इन कर रही हूँ, ऑन भी हो गई है। सो ये जो प्रोडक्ट है गाइस, आपको तो पता ही, ये जो राउंड सा होती है इससे हम हेयर को कर्ल कर सकते हैं, एंड ये जो इनबिल्ट ब्रश है इसमें गाइस, इसे आप अलग नहीं कर सकते। तो जब भी मैं हेयर को कर्ल करती हूँ इससे, मतलब दो बार यूज किया है, रिव्यू पर्पज पे ही मैंने इसे बाय किया एक्चुअली, तो इसमें ना हेयर थोड़ी सी अटकती है, तो ये मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी है। ओवरऑल हेयर को कर्ल करती है बट थोड़ी सी हेयर यहाँ पर अटकती है, जो मैं आपको डेमो भी दिखाऊंगी अभी। एंड यहाँ पर एक स्विच है जिसे आप प्रेस करेंगे तो, सॉरी यहाँ पर एक स्विच है, इसे प्रेस करेंगे तो आप इस तरह से कर्लर ओपन हो जाती है, एंड उसकी ठीक ऑपोजिट साइड में इस तरह की एक स्विच है, इसे अगर आप प्रेस करेंगे तो स्ट्रेटनर लॉक होके कर्लर सॉरी क्रिम्पर ओपन हो जाती है। ये देखिए क्रिम्पर ओपन हो गई। तो दोनों स्विच यहाँ पर साइड बाय साइड है, एक को आप प्रेस करेंगे तो स्ट्रेटनर ओपन हो जाएगी एंड दूसरी को प्रेस करेंगे तो क्रिम्पर ओपन हो जाएगी। तो ये गर्म हो गई, अभी मैं आपको इसे यूज करके दिखाती हूँ। सो गाइज, मैंने मेरी हेयर को रेडी कर दिया। तो सबसे पहले मैं कर्ल करूंगी, क्योंकि आप लोग बोलेंगे आपकी हेयर पहले से ही स्ट्रेटन है, आप फिर से स्ट्रेटन करके दिखा रहे हो। सो पहले मैं कर्ल करके आपको दिखाती हूँ। बाय द वे, इसकी जो टेम्परेचर है मैक्सिमम 200°C तक ये गर्म होती है। तो पहले मैं आपको यहाँ पर कर्ल करके दिखाती हूँ। यहाँ पर छोटा सा एक्सेप्शन ले रही हूँ मैं, इस तरह से मैं इसे रोल कर लूंगी एंड वेट करना है आपको 5 से 10 सेकंड तक, मैं वेट करूंगी। ये देखिए, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, ये हेयर पर थोड़ी सी अटकती है। ये देखिए यहाँ पर हेयर जो है काफी टैंगल सा हो गई है, तो ये कॉम की वजह से हो रही है। तो ओवरऑल कर्ल बहुत अच्छा ये नहीं करती है, सो करती है, इसकी परफॉर्मेंस कर्लिंग में उतनी अच्छी नहीं है। 5 से 10 सेकंड तक रखा था, शायद 15 से 20 सेकंड रखने से और भी अच्छा रिजल्ट देगी, बट मैंने ज्यादा देर नहीं रखा है एंड दिस इज द कर्ल गाइज। सो अभी चलिए देख लेते हैं स्ट्रेटनर कैसा है इसके। यहां से मैं एक स्टैंड ले रही हूं, तो यहां पर स्ट्रेटनर जो है आपको अच्छी से पकड़ना होगा, एंड आप अगर इस तरह से स्ट्रेटन करेंगे ना तो आपकी हेयर स्ट्रेटन नहीं होगी। आपको इस तरह से इसे प्रेस करना होगा, यहां पर दबाना होगा, तभी आपकी हेयर अच्छी से स्ट्रेटन होगी। सो हेयर इज द स्ट्रेटन रिजल्ट, अच्छी है, कर्लर से स्ट्रेटनर काफी अच्छी है। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको क्रिम्पर की डेमो दिखाऊंगी। वेल, उस वीडियो में मैं जब क्रिम्पर की वीडियो शूट कर रही थी, वीडियो शूट तो हुई थी बट किसी वजह से वो क्रैश हो गई, तो इसीलिए मुझे अगेन क्रिम्पर की डेमो शूट करनी पड़ रही है। तो अभी मैं आपको क्रिम्पर की डेमो दिखाती हूँ। मैं सामने से एक सेक्शन लूंगी छोटा सा, इस पर मैं क्रिम्पर आपको यूज करके दिखाती हूँ। सो गाइज, इसे इस तरह से प्रेस करने से क्रिम्पर ओपन हो जाती है। ये देखिए, नाउ आपको इस तरह से प्रेस करना होगा एंड यहां पर आपको दबाना होगा। तो एक एक जगह पर आप 5 से 6 सेकंड्स के लिए इस तरह से दबा के रखिए, तो ये आपकी हेयर क्रिम्प हो जाएगी। तो क्रीम पर भी गाइस बहुत अच्छी से वर्क करती है। ये देखिए कितनी अच्छी से हेयर को क्रीम कर दिया। सो स्ट्रेटनर एंड क्रिम्पर,
सो गाइज आपने क्रिम्पर का रिजल्ट भी देख लिया जो काफी अमेजिंग है, मुझे अच्छी लगी है इस प्राइस में इस प्रोडक्ट से। इसकी प्राइस 350 से 400 रुपीज में आपको हर ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पर मिल जाएंगे। तो क्या गाइज काफी अच्छी है, कर्लर को छोड़ के स्ट्रेटनर एंड क्रिम्पर काफी अच्छी है एंड ट्रैवलिंग के लिए भी काफी कन्वीनियंट होता है क्योंकि छोटा सा प्रोडक्ट है एज वेल एज तीनों तरह की स्टाइलिंग आप इससे कर सकते हैं। तो यू कैन ट्राई दिस अगर आप इसे बाय करने में इंटरेस्टेड हो गाइज। इसकी बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एंड ऑल्सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे से और भी ऐसे वीडियोज के लिए। अगर आप चाहो तो मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हो लाइक इंस्टा फेसबुक, उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच watching, bye.